हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली का दिन, दिवाली का मेन डे। तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब तक जो आपने मेरे व्लॉग देखे वो धनतेरस और छोटी दिवाली के ही मैं आपको दिखा रही थी। तो आज है मेन दिवाली। और मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने वेज सैंडविच बनाए थे और हम सब लोगों ने वही नाश्ता किया था। तो सब लोगों को वो वेज सैंडविच बहुत पसंद आए, तो सोचा कि चलो आज दिवाली का दिन है और इतना सारा काम अभी बचा हुआ है तो फटाफट वेज सैंडविच ही बना देती हूँ। नहीं तो मतलब इतना टाइम नहीं था कि कुछ और नाश्ता बने, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं दिवाली को। तो पसंद सबको पसंद भी आए थे तो वही सोचा कि वही बना देती हूँ। तो देखिए, ब्रेड रखी हुई थी मेरे पास और खीरा प्याज टमाटर भी रखा हुआ था, तो फटाफट मैंने उसको चॉप कर लिया और उसमें नमक मिर्चा मिला के, चाट मसाला मिला के उसको फटाफट उसके वेज सैंडविच मेकर में बनाने शुरू कर दिए। और वेज सैंडविच सब लोगों ने खाया अच्छे से, सबने अच्छे से खाया। और ये मैं लंच के लिए तैयार कर रही हूँ बैगन भाजा और साथ में थोड़ा सा आलू फ्राई। तो बनने वाली है, दिन में पुलाव बनने वाला है। ये देखिए, ये जो कुकर में चढ़ा है ये बन रही है चने की दाल। ये रात वगैरह रात में खा लेंगे हम लोग। रात के लिए वैसे अलग से बनेगा एक, हमारे यहाँ जब दिवाली होती है तो एक अलग से एक सब्ज़ी बनती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या बनती है। और ये जो तैयारी दिख रही है ये सारी वेज पुलाव की दिख रही है। और साथ में बनाऊँगी मैं बूंदी का रायता। बैगन भाजा मैं बना ही रही हूँ, वो आपने देखा ही है। और मम्मी की पूजा चल रही है सुबह की, और इतना मेरे इतनी देर में मैंने ये सारा अपना काम निपटा रही हूँ। वेज सैंडविच बना लिए और उसके बाद फिर ये देखिए, ये ब्लिंकिट से सब्जी आई पड़ी हुई है, क्योंकि सब्जी घर पे नहीं थी तो और जाने का टाइम नहीं था सब्जी मंडी। देखा होगा आपने पिछले व्लॉग में, मैंने आपको बताया था कि सब्जी मंडी नहीं गए हम लोग, ऑनलाइन ऑर्डर दे देंगे। तो बस वही है, देखिए ब्लिंकिट से सब्जी आके पड़ी हुई है, अब इसको भी फ्रिज में रखना है। तो वही है, बाकी पुलाव की सारी तैयारी मैंने करी ली है, बस छौंकूंगी। रायते की भी तैयारी हो गई है, रायता भी 2 मिनट में बन जाएगा। और बैगन भाजा आलू फ्राई हो ही गया है। तो एक एक करके सब कुछ निपटा रही हूँ। और उधर चने की दाल लौकी डाल के भी मैंने एक बना के रखी है। और ये देखिए, मतलब दिवाली के दिन ना मतलब बहुत काम हो जाता है, ऐसा लगता है काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये मैंने लगा दी है चने की दाल में, जो लौकी डाल के है उसमें छौंक लगा दी है। अब इसको कुकर से मैं निकाल के एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो एक एक आइटम निपटता जा रहा है, काम निपटता जा रहा है। अभी तो दिवाली है और बहुत सारे काम करने हैं, सुबह से शाम कैसे हो जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा। और सैंडविच एक एक करके बनते जा रहे हैं और उनको मैं प्लेट में निकालती जा रही हूँ। तो बस यही है, मम्मी की पूजा हो गई है और मैं भी पूजा कर लूँगी, क्योंकि ये सारे काम जो मैंने करे, मम्मी पूजा कर रही थी उतनी देर में मैंने निपटा लिए। तो मम्मी की पूजा हो गई तो अब मैं भी अपनी पूजा निपटा लूँगी, कर लूँगी। और उसके बाद अब मैं रखूँगी जो ब्लिंकिट से सब्जियाँ आई पड़ी हैं, उनको मैं अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो बाहर पड़ी पड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये सब काम रहता ही है, कुछ ना कुछ रहता ही है। और इस बार दिवाली जो पड़ी है ना वो संडे को पड़ी है, तो और अगले दिन यानी कि मंडे मेरा ऑफिस है, वही सुबह मुझे 3:30-4 बजे उठना है। 5 बजे मेरी ऑफिस की गाड़ी आ जाएगी और 6 बजे मुझे ऑफिस में पहुंचना है। तो सबसे बड़ा बुरा जो चीज़ है वो यही है कि नेक्स्ट डे ऑफिस है। तो इसलिए जो हमारा दिवाली रही ना वो बहुत भड़बड़ वाली रही, बहुत हम लोगों ने जल्दी जल्दी करा है क्योंकि टाइम से सोना था, पर उसमें एन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है। फिर भी सोते सोते हमको 11:30-12 बज गए थे रात के, और मैं अगले दिन 3:30 बजे उठ गई थी, तो ज़रा भी नींद नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है, अभी त्यौहार है तो क्या कर सकते हैं। और ये मैं देखिए दिए निकाल रही हूँ जो आज दिवाली के दिन मैंने ख़रीदे थे, डेकोरेटेड दिए। इसमें से जो ये ब्लू और रेड दिख रहा है ये अवनी ने पेंट करा है, बहुत ही सुंदर। बाकी दिए रेडीमेड हैं, बाकी 2 दिए अवनी ने पेंट करे थे, बहुत ही सुंदर। और ये आपको दिखाया था मैंने मेरे दिवाली शॉपिंग हॉल में, ये मैं एक चौकठा लेकर आई हूँ, इसमें 6 दिए हैं, ये भी हम पूजा में रखेंगे, ये भी बहुत सुंदर है। तो यही सब मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, ये भी एक काम है। इसमें फिर बाती लगा के रखूँगी और तेल डाल के रखूँगी, क्योंकि ये सब करके तैयारी करेंगे तभी जाके शाम को
फिर दिए जल जला पाएंगे टाइम से, वरना इन्हीं सब छोटे छोटे कामों में लेट हो जाता है। तो वही अवनी भी आ गई है मेरे साथ काम करवाने के लिए, तो वही अभी हम लोग दोनों देखिए लगे हुए हैं। और जो नॉर्मल दिए हैं मिट्टी के, देखिए वो भी मैंने साथ में रख लिए हैं। और ये डेकोरेटेड दिए जो हैं ये रंगोली में जाएंगे, तो अभी तो रंगोली बनाना भी बहुत बाकी है। रंगोली बनाने में अच्छे खासे 2-2.5 घंटे का वक्त लग जाता है, तो क्योंकि देखिए प्रोफेशनल तो है नहीं कि फटाफट बैठे और बना दी, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती रंगोली बनानी, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ एवरी ईयर और कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। तो उसमें आराम से 2-2.5 घंटे कहीं नहीं गए रंगोली में। तो बस यही सब काम निपटा रहे हैं, नाश्ता वगैरह सब हो गया है और लंच भी सब बन चुका है, तहरी ही बननी थी आज। तो सबको संडे हमारे यहाँ वही रहता है, आपको तो पैटर्न पता ही चल गया होगा, पुलाव तहरी खिचड़ी यही सब बनता है, बैंगन भाजा आलू फ्राई रायता संडे के दिन। और आज तो दिवाली संडे में पड़ गई तो बन ही गया है। और ये देखिए हम लोग बाती लगा रहे हैं दिए में, और ये कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स भी लेकर आई थी अभी। तो बस यही सब काम चल रहा है, दिवाली का चालू है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जब दिवाली होती है, दिवाली के दिन हमारे यहाँ जिमीकंद बनता है, महाराष्ट्र में इसे सूरन बोलते हैं, सूरन, और हम लोग बोलते हैं इसको जिमीकंद। तो ये सब्जी हमारे यहाँ मस्ट है, दिवाली वाले रात ये ज़रूर हम लोग खाते हैं, इसके साथ पूड़ी बनती है। फिर आप इसके साथ कुछ भी आइटम बना लो, पनीर बना लो, गोभी बना लो, लेकिन ये सब्जी ज़रूर बनती है, ये मस्ट है। तो ये सब्जी मैंने मम्मी को काम दे दिया कि मम्मी आप इसको कट करके दे दो, मैं बना लूँगी। तो वही मम्मी देखिए कट कर रही हैं, तो बस ये है देखिए। और ये है मम्मी जी जो हैं मेरी सास, वो सूरन नहीं खाती हैं, तो मैं उनके लिए आलू बॉईल करके आलू की भाजी बना रही हूँ, सूखे आलू की भाजी। तो उसमें प्याज बड़ा बड़ा, हरी मिर्ची बड़ी बड़ी काट के, और उबले आलू मैंने डाल दिए हैं, इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया और चाट मसाला डाल के ये सूखी भाजी देखिए मम्मी जी की रेडी हो गई है, वो सूरन नहीं खाती है। और यहाँ पे मम्मी को बहुत मेहनत लग रही है, सूरन काटना थोड़ा सा टफ होता है, और वो देखिए दिखा रही हैं कि इतने बड़े बड़े पीस कट करने चाहिए, अगर छोटे करें तो बिल्कुल गल जाएंगे। और इसमें सिर्फ एक सीटी देते हैं, वो यही बता रही हैं कि इसमें अगर 2-3 सीटी दे दी तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, वो यही मुझसे बात कर रही हैं। और इसको छोटा छोटा नहीं कट करते, बड़ा बड़ा कट करते हैं। तो मम्मी ने बड़ी मेहनत लगा के सूरन को काट तो दिया, अब मैं यहाँ पे सूरन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी चने की दाल लौकी डाल के बन चुकी है, मम्मी जी का आलू फ्राई सूखा बन चुका है, और अब सूरन बनाने की तैयारी है। तो वो उसके लिए मैंने खूब सारा प्याज चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची चॉप कर ली है, और टमाटर भी चॉप कर लिया है। और इधर मम्मी चाय दे रही हैं, नाश्ते के साथ चाय हो चुकी थी, तो अभी सबका फिर से थकान हो ही जाती है, तो एक एक चाय का राउंड अभी और लग रहा है। तो छुट्टी का दिन रहता है, चाय हो चुकी है नाश्ते के साथ, तो मगर अभी मन कर रहा है, तो फिर मम्मी ने सबके लिए देखिए फिर चाय बना दी है, और अब देने आ रही हैं सबको। तो यही है, काम तो बहुत रहता है दिवाली के दिन, और बस यही प्रॉब्लम है कि मेरा अगले दिन यानी कि मंडे ऑफिस है, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये कि मुझे वही सुबह उठना है 3:30 बजे और 6 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो बस यही सोच सोच के आधा, मतलब आधा कहते हैं ना दिमाग ख़राब, वैसे ही हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, इसको इसी में एडजस्ट करना है। और यहाँ देखिए सूरन कट चुका है ऑलमोस्ट, और मम्मी चाय पी रही हैं, मम्मी जी भी चाय पी रही हैं, और ये देखिए सूरन मेरे हाथ में कट कर आ चुका है। और अब मैं इसको पहले फ्राई करूँगी अच्छे से, और इसमें मैंने 3 आलू डाले थे सूरन के साथ, इतने ही बड़े बड़े आलू काट के डाले थे, उनको भी मैं फ्राई करूँगी। तो सूरन को फ्राई करके ही बनाते हैं, ऐसे कच्चा नहीं बनाते हैं जैसे बाकी सब्जी बनाते हैं, इसको एक बार फ्राई कर लेते हैं ना तो और टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, इसके बाद मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। तो सब्जी बन के बहुत टेस्टी रेडी हुई थी, बहुत ही टेस्टी मतलब लग रही थी जब हम लोग पूड़ी के साथ खा रहे थे। और ये देखिए तैयारी मैंने कर ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास रेडीमेड है, तो बस इसको एक एक करके मैं लॉट निकाल रही हूँ फ्राई का। तो अभी भी बहुत काम बाकी है, देखिए मुझे पूड़ी का भी आटा मारना है, उसका शूट मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था और मतलब काम था, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही शूट। तो मैं आटा भी मार के मैंने दोपहर में ही रख लिया था, जिससे बस शाम को गरम गरम पूड़ी सेक लेंगे जब डिनर का वक्त होगा। तो देखिए मैं एक एक करके लॉट सूरन का निकालती जा रही हूँ। महाराष्ट्र में इसको सूरन बोलते हैं, वैसे हम लोग इसको जिमीकंद बोलते हैं,
तो ये शुभ माना जाता है दिवाली के दिन बनाना। और ये है गरम मसाला, तो सारा सूरन और आलू तल दिया है और गरम मसाला डाल के, देखिए मैं इसको प्याज डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि प्याज ब्राउन ना हो जाए, तो अच्छे से भूनना है इसको। तो यही है शायद मैं इसकी सब्जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी आप लोगों को साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, पर अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और देखिए प्याज भुनने के बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची मैं डाल दूँगी अच्छे से जब प्याज ब्राउन हो जाएगा। और ये है डेगी मिर्च, सिर्फ रंग के लिए, तीखा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अवनी भी खाती है। और ये है किचन किंग मसाला, जिससे कि अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद जब सब मसाला भुन जाएगा, नमक भी डाल दिया, हल्दी धनिया भी डाल दी, और अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं प्याज और जिमीकंद के टुकड़े तले हुए वाले डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको इसमें मैं देखिए दही भी डालूंगी, फ्रेश दही है, एक आधा कटोरी है, ऑलमोस्ट आधा एक कटोरी है, तो ये इसमें ज़रूर पड़ता है, तो खटास आती है बहुत। देखिए आप देख सकते हैं क्या सुंदर कलर आया है। और जब सब्जी बन के रेडी हुई थी तो बहुत टेस्टी लग रही थी, चावल और पूड़ी था तो बहुत मज़ा आ गया था। और इसमें बस अब एक सीटी देनी है, एक से ज़्यादा नहीं देनी है क्योंकि सूरन बिल्कुल मैश हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा सीटी दी। तो देखिए सूरन बन के रेडी है और मम्मी अब इसको ट्रांसफ़र कर रही हैं बोल में, तो मेरा सूरन बन के भी रेडी हो गया है। मम्मी जी का आलू बना ही दिया है, वो सूरन नहीं खाती हैं, तो एक एक करके काम निपट रहे हैं। दिए मेरे रेडी हो गए हैं, उसमें बाती भी मैंने लगा दी है। और अब जो मेन काम है ना, सबसे बड़ा काम वो रहता है मेरा रंगोली का, वो भी करूँगी मैं धीरे धीरे, अभी और थोड़ा काम निपट जाए। तो जो दिवाली का ये व्लॉग है, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको फिर अभी एक और दिवाली का व्लॉग आएगा, उसमें आपको बाकी जो दिन बचा है उसमें मैंने क्या क्या किया वो सब देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आगे भी मेरे व्लॉग आप देखते रहिएगा। आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं रंगोली का दिखाने वाली हूँ शूट। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।